नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 17 अप्रैल 2020 17 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने लाइव डेमो देखा था हूँ, उसका वीडियो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा ताकि आप लोग जांच कर सकता है कि इसका चार्ट का सेटअप और मेरा बाइसेल लेवल का कैलकुलेशन कैसा काम करता है। और आप लोग ट्रेनिंग ले सकता है उसका हिसाब से, आप लोग ट्रेनिंग भी ले सकता है, कॉल सर्विस भी ले सकता है। और मैंने उसके बाद मैंने बाइस एंड लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ये मैंने फिर में दिखाता हूँ बहुत सारा लेवल्स, वो भी आप लोग को लाइव मार्केट में काम पे आएगा। आप लोग उसमें ट्रेड कर सकता है, कुछ दिन ऑब्जर्व करके आप लोग ट्रेड कर सकता है। और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो। और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारा चीज़ है आप लोग, और भी आप लोग को मैंने वीडियो लोड करते जाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ तो दोस्तों, ये आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग को इसका फ़ायदा उठा सके, बहुत सारा सुविधा हो जाएगा। और ये जो बाइसेल लेवल कम स्किनर है, इसी का थ्रू में मैंने आप लोग जो व्यू देता हूँ इसमें क्या क्या है और कैसे इसको स्किनिंग करना है वो भी आप लोग देख लीजिए। इसका पूरा फायदा इसमें आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करना और प्रॉफिट करना बहुत ही आसान कर देगा। तो आप लोग लाइव डेमो भी देख सकता है और पिछले वाला जो बाइसेल लेवल्स वीडियो और निफ्टी का जो निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का जो वीडियोस वो आप लोग देख सकता है ताकि आप लोग को इसका पता चल जाएगा और उसके साथ चार्ट का मैच कर सकता है नेक्स्ट डे कैसे मतलब बाइसेल लेवल्स मिलता जुलता है। तो इसमें आप लोग को अंदाजा हो जाएगा और इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकता है। और जो लोग इसका जो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकता है और इसमें मैंने पूरा बाइसेल लेवल शेयर करता हूँ और आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करता है कर सकता है। मैंने आप लोग को एक दिन में पूरा लाइव डेमो दिखा दूंगा और आप लोग ट्रेनिंग के बारे में भी आप लोग इसमें सोच सकता है। ट्रेनिंग के मैंने आप लोग ट्रेनिंग आप लोग को लेना चाहिए, ट्रेनिंग आप लोग जरूर ले लीजिए तो ताकि आप लोग ये बाइसेल लेवल आप लोग निकल सकता है। मैंने जो लाइव डेमो में आप लोग को दिखाता हूँ वो आप लोग को दिखा दूंगा, चार्ट का सेटअप भी दिखा दूंगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे को व्हाट्सएप भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जितना सारा मैंने यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल पूरा प्योरली मतलब एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस है, इसमें आप लोग इन्वेस्ट करना ट्रेड करने के लिए आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का सलाह जरूर ले लेंगे। तो देखिए इसमें जो मैंने डेली का निफ्टी का बैंक निफ्टी का पहले निफ्टी इंडेक्स का डेली का चार्ट ओपन किया हूँ तो इधर देखिए इसमें कल जो बियरिश कैंडल बना था उसके बाद ये आज थोड़ा सा बुलिश कैंडल बना है, ये थोड़ा सा सॉलिड बॉडी एक बुलिश कैंडल बना है, एक सॉलिड बॉडी बुलिश कैंडल बना है जिसका वीक्स इसको शेप्ड कैंडल ऑलमोस्ट शेप्ड कैंडल बोल सकता है थोड़ा, क्योंकि इसका वीक्स तो बहुत ही कम है तो इसका लगता है तो इसीलिए इसको इसका वीक्स बहुत ही कम है नीचे या ऊपर आप लोग ऑलमोस्ट शेप्ड कैंडल है, इसको शेप्ड कैंडल बोलता है। तो इसमें ऑलमोस्ट मरुभूजि का है लेकिन मरुभूजि नहीं है तो इसीलिए इसका बुलिश जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न देख के बुलिश जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। और जो एक मिनट मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आ रहा है, थोड़ा सा रुक जा रहा है। आज जो ट्रेंड का जो पता चलता है तो ट्रेंड लॉन्ग टर्म छोड़ के जो मैक्सिमम जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है इसका आप ही दिखा रहा है। तो इसमें इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव ही है, नीचे वाला दिखा रहा है। तो इधर शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है ये
ऊपर दिखा मतलब दिखा रहा है, थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है। और इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसका आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकता है। इधर 9006 में इसका एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 9099 में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 9205 में रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद चार्ट को छोटा सा 9299, उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो है इस लेवल पे, मतलब 9404 का लेवल पे, 9400 का ऊपर, मतलब 9408 से 410 ही पकड़ सकता है। और इधर से मैंने थोड़ा सा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का लेवल्स भी देख लेता है। इधर 9313 में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है 9313, उसके बाद ये 8520 से 9313 का जो जोन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। तो इसका नेक्स्ट लेवल आ सकता है 9870 तक जा सकता है। तो एक दिन में तो नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जाता है। उसके बाद ये 10427 तक आ सकता है, उसके बाद 10550 उधर से रिट्रेस हो सकता है। तो फिलहाल जो ट्रेंड चलेगा थोड़ा सा बुलिश ही ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन इसमें बाद में फिर से मैंने और भी, जब आप लोग पूरा वीडियो जरूर सुनिए, उसके बाद आप लोग पूरा वीडियो आप लोग को देखिए। इसके बाद 8900 में इसका सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 8806 में इसका सपोर्ट बनेगा, 8700 में सपोर्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद 8700 8520 में सपोर्ट बनेगा, 8520 का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इसका जो। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा ये है 7511, उसके बाद 7511 6272 तक, ये इसका 7511 का नीचे 272 तक, उसके बाद 5557 तक आ सकता है। और इसका जो एंगल आप लोग देख रहा है, इधर से जो एंगल बना है, और इधर देखिए इस एंगल को ये ब्रेक किया है, उसके बाद इस एंगल तक, इस एंगल में ये सपोर्ट लिया था 9261 तक गया था, उधर से फिर से रिट्रेस होकर नीचे आया, फिर से इस एंगल और इस एंगल के बीच में ये ट्रेड कर रहा है अभी तक। ये 9003 मतलब 9000 का 300 का जो लेवल है, 9300 का जो लेवल है वो ब्रेक होने के बाद ये नेक्स्ट एंगल पे जा सकता है, और नेक्स्ट एंगल पे ये जाएगा तो इसका थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इस एंगल पे तो दिखा रहा है इसका 9300 का जो लेवल है, उस लेवल पे जाने के बाद ये ब्रेक करेगा तो इसका जो नेक्स्ट एंगल है इसका इस एंगल पे है, इसके बाद ये इस एंगल पे इसका जो एंगल दिख रहा है, कहाँ पर एंगल दिख रहा है, इसका नेक्स्ट एंगल इधर दिख रहा है ना, अभी छोटा करके देखता हूँ। इसका जो एंगल है, इसका ये जो एंगल और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका जो क्रॉसिंग है ये इसका इस लेवल तक आ सकता है। तो इस लेवल तक इसका आने के, नहीं सॉरी मैंने गलत देख रहा हूँ, इस लेवल पे जो है, इस लेवल पे 9700 तक आ सकता है। इसके ये लेवल ब्रेक करेगा तो 9700 का लेवल पे आ सकता है, 9700 का लेवल पे आएगा तो इस लेवल पे जो 10224, उसके बाद ये 10600, उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है 11600 500 या 550 या 600 ब्रेक करेगा तो 11700 के ऊपर जा सकता है। और नीचे का जो लेवल आएगा, नीचे का इस लेवल पे ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इसका, इसका जो ये 8760 का जो लेवल है, 8000 मतलब हाँ ये जो लेवल है 8000 ये कौन सा लेवल है, हाँ 8700 का जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद ये बहुत ही नीचे मतलब इस एंगल तक, इस एंगल का आसपास चलाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब 7511 तक आने का प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। और बैंक निफ्टी का मैंने देखता हूँ,
बजाज फिनेंस हो गया। इसमें चैट का एक प्रॉब्लम होता है कि इसको थोड़ा सा अप डाउन करना पड़ता है, इसको खींच के एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, लेकिन क्या है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। इसको मैंने हटा कर फिर से ड्रा करना पड़ेगा। ये देखिए इसका ट्रेंड भी आप दिखा रहा है, बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड इसका आप दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका इसका भी जो सपोर्ट है ये भी ट्रेंड आप दिखा रहा है। इसका जो लेवल्स मैंने एक मिनट रुकिए आप लोग, जस्ट थोड़ा सा मेरा इसका जो आप लोग को इधर से तो मैंने बहुत सारा लेवल्स आप लोग को बता सकता हूँ, लेकिन और भी अच्छी तरह से बताने का कोशिश करूँगा। तो इधर से जो इधर देखिए 19400 में तो ये क्लोजिंग दिया है, 19556 में इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद 19818, 20149, 20411, ठीक है, उसके बाद 20756 तक ये जा सकता है। तो इसका आप लोग देख सकता है, इसका आप लोग देख लिया कि इधर जो ट्रेंड है, तो मेन ट्रेंड जो है आप लोग देख सकता है, ये चैनल है मेन ट्रेंड, इसका डायरेक्शन नीचे ही है, ठीक है, मेन ट्रेंड का डायरेक्शन, लेकिन ये ऊपर जाने के लिए अभी भी इसका बहुत ही हाथ लग जाएगा। लेकिन इसका जो अभी फिलहाल जो शॉर्ट टर्म स्पैन में आप लोग का इधर से देखिए, आप लोग को बहुत सारा लेवल्स दिखा बोल सकता हूँ इसमें, और जो इधर लेकिन इतना जो बात में मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा हूँ, इधर जो सपोर्ट आप लोग को मिलेगा, सपोर्ट जो है 19225, 18903, 18632, उसके बाद 18000, उसके बाद 17942, बहुत सारा लेवल्स इधर से निकल के आता है, उसके बाद 16150 तक आ सकता है, ठीक है। इधर भी ऊपर अपसाइड में ये 23000 का लेवल और 23000 और 24000 का लेवल तक जा सकता है। तो मैंने एक बार फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का टूल्स एक बार ड्रॉ कर लेता है, क्योंकि जिधर से टॉप गया था उसी का लेवल से इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसका बहुत ही काम पे आता है, क्योंकि उसी का एंगल और इसी का रिट्रेसमेंट पकड़ के चलता है। इधर एक्चुअली एक मिनट इसको ड्रॉ करने के लिए इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, और इधर से इसका देख लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा आप लोग को इधर से कैसे मतलब इसका क्या बोलता है, इसका जो इसका जो कौन कहाँ से ये कौन सा एंगल से या कौन सा कैसे चल सकता है वो आप लोग को देखिए, इधर 19597 दिख रहा है, उसके बाद 22258, इधर 24000, ये 26053 तक ये इसका जाने का पोटेंशियल है, और नीचे 16116 का नीचे इधर 11742, और 11742 और
इसके बाद 11,742 9,949 तक ये आ सकता है। और अभी जो फिलहाल अब जो इसका मतलब कैसे हो सकता है, एक कैसे चल सकता है, तो ये आप लोग को दिखाने का समझने का कोशिश करूँगा। तो देखिए इधर इस लेवल पे है, इस एंगल पे इस एंगल पे ये सपोर्ट लिया था। अगर कैंडल पे ये जो एंगल दिख रहा है आप लोग को, इस एंगल पे सपोर्ट लिया था 20,000 का, 20,000 तक ये गया था, 20,000 कुछ 20,100 का ऐसा कुछ गया था। उसके बाद ये 21,000 का जो लेवल है, 21,000 या 21,500 का लेवल पकड़ सकता है, 21,500 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो ये नेक्स्ट लेवल इसका आ सकता है, 24,000 का लेवल आ सकता है। तो इसका 24,000 का लेवल इसका आ सकता है। और जो नीचे का जो लेवल्स इसका है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, 18,600 का लेवल इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा, 18,600 का लेवल। ये तो 18,000, ये जो 600 का लेवल लेवल है ये, सॉरी 18,600 नहीं, 18,000 इसका हॉरिजेंटल लाइन कहाँ पर काट कर रहा है, ये जो एंगल है, ये जो इसका जो एंगल है और इसका जो हॉरिजेंटल लाइन जा रहा है, तो इसका जो इस एंगल का नीचे आएगा तो इसका मतलब सोच लीजिए 18,300, ये 18,000 का नीचे ये आएगा तो बहुत ही नीचे आ सकता है, 16,000 के आसपास आ सकता है। उसके बाद ये सपोर्ट लेगा 16,000 के आसपास, ये सपोर्ट लेगा 16,000 का, इम्पोर्टेंट आएगा। उसके बाद फिर ये जाएगा 11,000 के आसपास जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को लेवल्स देख के पहले एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को लेवल्स देख के, बहुत सारे लेवल्स देख के आप लोग को समझने का कोशिश करूँगा कि आप लोग ये कौन सा रिश्ता पकड़ के ये अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी चलने का कोशिश करेगा, चल सकता है, ये मैंने आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा। तो देखिए इसमें पीसीआर रेशियो जो निफ्टी का निकल के आता है, पीसीआर रेशियो ये है 1.10 का लेवल है, पीसीआर रेशियो सॉरी निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी आ गया है, मैंने पहले निफ्टी को एनालिसिस कर लेता है। अगला मूवमेंट और जो नेक्स्ट प्रोबेबल मूवमेंट क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, यही मैंने बताने का कोशिश करता हूँ, और लेवल्स भी उसके साथ दे देता हूँ। ये 23 अप्रैल का मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का देखता है। तो अभी आज आज आप लोग को हाई वोलेटिलिटी देखने के मिला है, लेकिन इंडिया पिक्स भी कम हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा रेंज आप लोग देख सकते हैं, वोलेटिलिटी और रेंज जो है थोड़ा सा कम हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेंज मतलब जो दिन में कितना मूवमेंट होता है, तो इधर देखिए 9,500 में इसका रेजिस्टेंस है, कॉल साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और पुट साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 8,500 पकड़ता हूँ, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट इधर लॉन्ग बिल्डअप, और इधर भी लॉन्ग बिल्डअप होने से अच्छा रहता था, तो इसीलिए थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखेगा, और बीआर भी बहुत ही कोशिश करेगा, मतलब जो सेलिंग प्रेशर भी रहेगा, पुट अर्निंग होगा, सॉरी ये मैंने गलत बोलता हूँ, ये मतलब ये इस कॉल साइड में जो कॉल साइड में ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो एक मतलब आप जाने का एक क्या बोलता है फेवरेबल सिचुएशन स्थिति फेवरेबल सिचुएशन एक बना है अब जाने का। और इधर जो आईवी जो थोड़ा सा नीचे आया है, और इधर आईवी थोड़ा सा बड़ा है, मतलब पुट शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, तो पुट शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर पीसीआर रेशियो बड़ा है, तो इसीलिए थोड़ा सा अप ट्रेंड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और इधर बैंक निफ्टी का देखता हूँ, और इधर जो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 1.10 है, इधर मैंने 20,000 में इसका रेजिस्टेंस पकड़ा है, ठीक है, 20,000 में, और 20,500 में इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, दोनों साइड में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है,
और वुड साइड में इसका 18,500 में इसका शॉर्ट मतलब सपोर्ट है, सपोर्ट रहेगा तो इसका इधर शॉर्टिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही बैंक निफ्टी भी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, नीचे जाने का इन कंपेरिजन टू डाउन ट्रेंड इट हैज द प्रोबेबिलिटी अप ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इधर आई वी भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पुट साइड में आई वी ज़्यादा है, तो ये मतलब पी सी आर रेशियो बड़ा है, तो इसीलिए इसका मतलब ये है अप ट्रेंड का जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी मैंने इसको एक बार एनालिसिस करता हूँ, प्रोबेबिलिटी को एनालिसिस करता हूँ, और प्रोबेबिलिटी में इसका जो दिखेगा आप लोग को ये करेंट प्राइस और जो करेंट वोलेटिलिटी कॉल्स इम्प्लेंट वोलेटिलिटी बुड इम्प्लेंट वोलेटिलिटी था 7 दिन का एक्सपायरी का हिसाब से। तो देखिए इधर 9,500 में रेजिस्टेंस पकड़ा हूँ और इधर 8,500 में सपोर्ट पकड़ा हूँ, तो इधर अप जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और इधर 20,000 में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीक ट्रेंड है, तो बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी 20,000 में जाने का प्रोबेबिलिटी कम है इन कंपैरिजन टू 18,500। 18,500 में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आप लोग को, थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाऊँगा एक्चुअली ये क्या सिचुएशन है। तो देखिए इधर जब मैंने 8,700 कर दूंगा, अभी तो फिलहाल आप लोग को 8,992 मतलब 9,000 के आसपास दिख रहा है, तो इसका जब 8,700 कर दिया तो इसका क्या हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है। और इधर इधर मैंने 9,200 कर देता हूँ, तो 9,300 ही कर देता हूँ, सॉरी पहले आप लोग को 9,200 करके दिखाता हूँ, 9,200 करके ये प्रोबेबिलिटी इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है, ठीक है। और 9,300 में इसका प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है, और इधर 8,800 का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये खड़ा हुआ है कि इसका मार्जिनली अभी निफ्टी का जो स्थिति है ये मार्जिनली है, निफ्टी का जो स्थिति है ये मार्जिनली है, अप ट्रेंड आप जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन दोनों साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम सेम है। और इधर जो इधर मैंने 18,700 कर दूंगा, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी और भी जाने का प्रोबेबिलिटी देखिए और भी बढ़ गया है, लेकिन इधर 20,500 कर दूंगा तो इसका प्रोबेबिलिटी में कुछ मतलब चेंजेस नहीं आता है, तो इसका वीक ट्रेंड है, ये जो बैंक निफ्टी का जो अभी अप ट्रेंड दिखाई रहा है ट्रेंड वीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और इसका ये बात आप लोग ध्यान से नोट कीजिए, बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी तो अप जाने का प्रोबेबिलिटी और चार्ट का जो स्थिति है ये बहुत ही मतलब स्ट्रांग दिखा, बहुत ही नहीं थोड़ा सा स्ट्रांग दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का वजह से ये पॉइंट आप लोग ध्यान से नोट कीजिए, ये बैंक निफ्टी का वजह से निफ्टी में गिरावट दिखने को मिल सकता है, बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे आएगा, ये सब निफ्टी का अभी जो मूवमेंट है वो बहुत ही इट इज़ वेरी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन नाउ इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन बैंक निफ्टी मूवमेंट, बिकॉज इफ द बैंक निफ्टी कैन ड्रैग द निफ्टी इन टूअर्ड्स द डाउन डाउन साइड, ये पॉइंट आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर सकता है, ध्यान पे रख सकता है। तो इधर देखिए मैंने इसका सॉरी इसका फाइल नहीं ओपन किया हूँ, मैंने एक बार फाइल ओपन करने दीजिए, ये कौन सा रास्ता पकड़ के ये जा रहा है, तो आप लोग को इसको दिखाने का एक्सप्लेन करने का आप लोग को इरादा है, तो इसीलिए मैंने इतना सारा लेवल्स दिखाने का कोशिश करता हूँ। और इधर तो देखिए इधर से मैंने जो हाई और लो मतलब मैंने जो लास्ट हाई और लो मतलब सबसे ज़्यादा हाई और सबसे ज़्यादा लो इस ईयर का,
तो इसका मैंने पकड़ के रखा है, और इसका कैसे साइकिल में चलता है आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए इधर 9013, 8900 और 9013 का अंदर है का, ये 9200 का ऊपर 9061 तक गया था। तो इस लाइन पे ये चल रहा है, मतलब ये बॉटम अप हो रहा है, मतलब ये बॉटम से ऊपर जा रहा है, ताकि ना कि ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इधर इस में तो ये इसमें पता चलता है कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। इसका मतलब करेक्शन जो डाउन गया था उसका थोड़ा करेक्शन होके ये ऊपर जा रहा है 9764 तक। तो फिर से मैंने बोल रहा हूँ, पहले वाला जो वीडियो में पहले वाला जो मैंने बोला था कि ये वेब 2008 से ये पाँच वेब में ये अप ट्रेंड दिखा है, उसके बाद वेब ए में इसका करेक्शन हुआ है 7511 तक। इसके बाद ये वेब भी चल रहा है, ये भी एक करेक्शन वेब है। उसका जो इसका कितना तक जा सकता है, 7550 तक या इसका जा सकता है। उसके बाद ये जो वेब ए में जितना सारा करेक्शन हुआ है उस उधर से वो वेब सी में आने का प्रोबेबिलिटी है, वो वेब सी आने के ये उसके बाद ये फिर गिर सकता है। तो वही, और बैंक निफ्टी का जो है, ये बैंक निफ्टी तो अभी कितना में 19500 का आसपास क्लोजिंग दिया, 19400 का आसपास। तो ये 19 से आगे अगला दिन ये 20184 का क्लोजिंग दिया था, उसका थोड़ा सा नीचे रिट्रेस हुआ है। तो इधर इस लेवल पे ये चल रहा है, तो 20950 तक ये आज का आने का प्रॉबिलिटी है। लेकिन आप लोग को दिखा दिया ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड अप है, लेकिन बहुत ही वीक ट्रेंड है, और ये बहुत सारा इसका फंडामेंटल रीजन है, वो अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग को बैंक निफ्टी का वजह से आप लोग ये मान के चल सकता है निफ्टी का ट्रेंड अप है, लेकिन बैंक निफ्टी का वजह से ये निफ्टी का अभी निफ्टी का जो मूवमेंट है इसका इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन बैंक निफ्टीज मूवमेंट एट प्रेजेंट। कभी कभी उल्टा भी होता है, मतलब बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट होता है वो निफ्टी का जो मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, लेकिन ये मतलब मैक्सिमम डिपेंडेंट अभी है बैंक निफ्टी का। ये देखिए इधर जो प्राइस एनालिसिस करता हूँ, 360 डिग्री एनालिसिस, ये जो ये 90 डिग्री ऊपर जाएगा। अभी देखिए इधर जो क्लोजिंग दिया था, क्लोजिंग है इसका, क्लोजिंग जो दिया है 8992, मतलब ये 90 डिग्री का अंदर है, ठीक है। 45 डिग्री और 90 डिग्री का बीच में कौन सा डिग्री पे है आप लोग को दिख जाएगा इधर से, तो बाद में दिखाता हूँ आप लोग को। इधर से आप लोग को दिखाता है कौन सा डिग्री पे है, आप लोग को बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ दोस्तों। आप लोग को फीडबैक नहीं देते हैं, इसीलिए इतना सारा लेवल्स दिखाने का, इन्हें एनालिसिस करने का मोटिवेशन नहीं मिलता है। एनीवे तो मैं देखिए इधर ये जो 283 डिग्री का लेवल्स पे है अभी जो लास्ट डेट प्राइस, और बैंक निफ्टी का ये 6 डिग्री का लेवल्स पे है, ठीक है। इसका जो लेवल्स है, इसका जो लेवल्स है, इसका ये इसका अभी ये 360 डिग्री ये कंप्लीट होने का है, और इधर सेशन भी इसका उतना टाइम भी लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है। तो इधर देखिए इधर 9041 का ऊपर ये कितना ऊपर जा सकता है, ये 9900 का वो भी उधर भी 700 दिखा रहा है, और ये जो इधर भी इधर ये जो ये ऑन डेली डेली डाटा के लेके ये डेली हाई लो क्लोज लेके इसका कैलकुलेशन किया गया, ये डेली का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो वो भी 9700 का ये फर्स्ट साइकिल में दिखता है। तो बाद में मैंने पूरा ये जो जो बाइसल लेवल देखता हूँ वो आप लोग को पूरा दिखा दूंगा, तो इसका पूरा जा सकता है। और इधर इसके डाउन साइड में इसका जो लेवल्स है, डाउन साइड में जो इसका लेवल्स है ये 8939 से आ सकता है, ये इसका 8140 तक ये 47 तक ये आ सकता है फर्स्ट साइकिल में। सेकंड साइकिल में ये इसका अपसाइड जा सकता है, और डाउन साइड में ये इतना तक आ सकता है, और थर्ड साइकिल में ये इतना तक अपसाइड जा सकता है, और इतना डाउन साइड में ये आ सकता है, ठीक है। तो ये अभी तक वो रात में आप लोग को फिर से बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा, तो तब तक के लिए आप लोग को इधर ही ख़त्म, रात में मतलब जब 22 लेवल्स दूंगा, तो अभी इसका ख़त्म कर रहा हूँ।
तो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग जरूर फीडबैक दीजिए, और आप लोग ट्रेनिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो लेवल्स आप लोग को कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, आप लोग लेवल्स से बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। वन टाइम बहुत नॉमिनल फीस देके आप लोग को बहुत ही अच्छा चीज़ मिल जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्ते।